भाई ये भाई बेच रहा है भाई, ये देखो सूखी मच्छी है, देखो ये कौन सी है, ये कल की स्कूटी थी, इन्होंने चाय भी ले ली है। टाइम हो चुका है 10:30। तो गाइज अभी हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं और जा रहे हैं मुंबई की ओर। तो गाइज गोवा का सीन खत्म करके मुंबई का सीन दिखाएंगे अब आपको, मुंबई में बढ़िया बढ़िया जो भी लोकेशन है वो दिखाएंगे। ओके तो गाइज इस होटल को करते हैं बाय बाय और चलते हैं मुंबई की ओर। भाई ये जो सीन देख रहे हो ना, मुझे ये खतरनाक वाले लग रहा था यहाँ, ये पेड़ वेड़ मुझे बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। तो गाइज कल ये जो स्कूटी ली थी ना, इसको भाई आज देंगे। अब होटल से चेकआउट कर लिया, ये होटल का सीन था भाई बाहर का, और अपनी फॉर्चुनर को देंगे भाई अभी। बाबू भाई इसकी ड्राइव बाबू खतरनाक करता है, खतरनाक वाली है, देख बाबू जम भी रहा है बाबू तू। यहाँ पे आपको स्कूटी मिल जाएगी, देखो ये खड़ी सारी रेंट। तो गाइज स्कूटी को रेंट पे लिया था भाई बाबू यहाँ ले आया, और ये अंकल की स्कूटी थी, इन्होंने चाय भी ले ली है, और इनके पास ये वैगनार थी, यहाँ रहते हैं भाई ये, देख लो चारों तरफ से वैसे। गाइज अंकल जी से लेते हैं भाई अपना आधार, क्योंकि आईडी देनी पड़ती है तब स्कूटी मिलती है, और आपको ऐसी बाइक मिल जाएगी यहाँ पे, स्कूटी बहुत ही बढ़िया वाली नहीं रहती है भाई। बाबू मेरी आईडी देख रहा है ये भाई। तो गाइज आधार कार्ड ले लिया, क्योंकि यहाँ पे आधार कार्ड देना पड़ता है और कुछ नहीं भाई, और आपको ये मिल जाएगी। गोवा में मंदिर का कुछ लुक ऐसा रहता है भाई, देखो आ गए होटल से बाहर, और अभी हम जा रहे हैं भाई बस देखेंगे, क्योंकि यहाँ से टेम्पो रेलवे स्टेशन छोड़ने का लेगी 1500 रुपये, और बस से पहुँच जाएंगे भाई पर पर्सन 60 रुपये, तो बस से ही जाएंगे भाई। थोड़ा सा आधा घंटे का टाइम ज़्यादा लगेगा, बाकी पैसे बच जाएंगे हमारे। तो ये पार्किंग है देखो, यहाँ पे बस मिलेगी, यहाँ से बस में बैठेंगे, और अब आपको ज़्यादा वीडियो नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट मुंबई जाऊँगा और मुंबई का सीन दिखाऊंगा। ओके अभी हम बस में बैठ चुके हैं, अभी हम बस स्टैंड पे आ गए। यहाँ पे मंडी थी भाई, ये देखो केले कैसे लेके जा रहे भाई, केले की बहुत तगड़ी पैदावार है यहाँ पे, देखो अंगूर लिया भाई। तो गाइज गोवा में आए थे, लेकिन शॉपिंग भी तो कुछ भी नहीं की हमने शॉपिंग, बस ये देखो भाई चप्पल लिए। तो कमेंट करके बताना लुक कैसा है, अच्छा लग रहा है लुक तो यार, ये देखो। तो गाइज ये भाई बेच रहा है भाई, ये देखो सूखी मच्छी है, देखो ये कौन सी है, ये भांगड़ा, और ये छोटी छोटी ये क्या है, हाँ अच्छा ये भाई, ये देखो मच्छी है भाई, सुखा के बेचते हैं, देखो छोटी मच्छियाँ भी है, बड़ी भी है, देखो वाह, पूरी मंडी देखो इसी की है, इधर भी है आगे तक है भाई, वहाँ तक मच्छी मिलती है सूखी यहाँ पे। अभी हम निकल रहे हैं मुंबई के लिए। तो भाई इतनी तगड़ी स्टेशन पे इतनी तगड़ी वाली भीड़ है ना, ये सारे लोग गोवा ट्रिप पे आए थे, क्योंकि अभी छुट्टी चल रही थी ना, इसलिए तो सारे लोग गोवा ट्रिप पे आए थे भाई, तगड़ी वाली भीड़ हो चुकी है यहाँ पे। तो पता नहीं ट्रेन में क्या हाल होने वाला है, तो आपको दिख जाएगा वीडियो में, बाकी आप देख सकते हो भाई, ये देखो पूरा स्टेशन भरा पड़ा है, बाबू तो मोबाइल में लगा पड़ा है भाई, क्या करें। गाइस आपको बता दूं, ट्रेन में बुरी हालत हो चुकी है, और भाई अभी हम 4 घंटे का सफ़र बाकी है, 4 घंटे और ऐसे जाएंगे और फिर पहुंच जाएंगे मुंबई। तो आप देख सकते हो ट्रेन में भीड़ भाई, ये देखो सबका बुरा हाल है भाई, ये देख बाबू क्या हाल है तेरे, हाँ क्या बताएं आपका। तो गाइस यार सपोर्ट करना भाई को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और कुछ नहीं मांगता आपका भाई आपसे, है ना। तो गाइस आपको बता दूं भाई, हम इंडियंस के बीच में फंस गया, एक अंग्रेज के साथ चले तगड़ा वाला, ये देख सकते हो भाई, सब्सक्राइब बेचारा सो रहा है भाई, क्या करें। तो गाइस ट्रेन में सवारी इतनी तगड़ी भरी थी भाई, हम लोग थोड़ा सा डब्बा चेंज करने के चक्कर में उतर गए, तो भाई रह गए यहीं पे, अब देख लो गई ट्रेन भाई। कौन सा स्टेशन है भाई, ये कौन सा स्टेशन है भाई, रह गए चिपलोन में। फिर दूसरी ट्रेन आ गई गाइज, लेकिन इसमें भी भीड़ वही थी, पर क्या करें यार, हमें तो जाना था मुंबई, तो पहुंच गए भाई कैसे। आज मुंबई आ गए हैं, और यहाँ से भाई बस स्टैंड पे आ गए, क्योंकि रात को बोट नहीं चलती है समुद्र वाली, तो ये देखो बसें खड़ी है भाई, ये बस स्टैंड है यहाँ का, तो यहाँ से बस लेंगे, फिर 1 घंटे का सफ़र रहेगा बस का, और फिर गाइज वहाँ से टेम्पो लेना पड़ेगा, फिर 20 मिनट का टेम्पो का रहेगा, तब जाके पहुँचेंगे, यानी कि 1.5-2 घंटे में क्वार्टर पे पहुँचेंगे बाबू के पे ना। बस में बैठ के फिर टेम्पो में आ गए, और टेम्पो से भी जा रहे हैं बाबू के क्वार्टर पे। आज रूम पर पहुँच गया, और बाय द वे सीधी सी बात है, मैं सो रहा हूँ क्योंकि नींद आ रही है बहुत तगड़ी वाली, क्योंकि बाबू अभी जा रहे हैं ड्यूटी, तो बाबू को देख भाई अपना सामान वामान निकाल रहे हैं, और मैं सो लेता हूँ, आज मैं उठूँगा शाम के 7 बजे, उससे पहले नहीं उठूँगा। तो गुड मॉर्निंग और गुड नाइट गाइज, आपको बता दें गोवा से भाई आ गए, और आने के बाद बाबू ड्यूटी जाके आ गया, अभी 12 बज गए हैं,
बाबू का लंच था तो बाबू आ गया सब्जी वब्जी लेके रोटी वोटी बनाएंगे। तो गाइस आपको सच बताओ ना भाई, ये सब्जी और रोटी गोवा में मिलती ही नहीं है। वहां पे खाने का है चिकन बिरयानी, बस मच्छी खाओ, मतलब नॉन वेज ही नॉन वेज है वहाँ पे, वेज तो कोई है ही नहीं। मतलब नॉर्मल थे जो हम लोगों ने खाया भी था, लेकिन इतना मजा नहीं आया। आज भाई घर आते हैं, यहाँ मतलब बाबू के क्वार्टर पे आते ही रोटी और गोभी, गाजर, मटर, आलू, प्याज और मिर्ची और धनिया डालेंगे सब्जी में। तो भाई को सपोर्ट करना यार। और वीडियो कैसे लगे आपको गोवा के? देखो गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वो सीन थोड़ा ऐसा ही था, लड़कियाँ ऐसे वहाँ पे कपड़े पहनती थी, तो वो आप नज़रअंदाज करना क्योंकि गोवा में वो सीन ही था भाई। मैं क्या करता, जो चीज़ होती है जिस जहाँ पे ज़्यादा भाई दिखती है तो वो चीज़ तो वीडियो में आती है, बस इसलिए मैंने शूट कर लिया भाई। मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था ऐसा वीडियो भाई, क्या है वीडियो पर, कोई ना दो पांच वीडियो डाल दें। गोवा से आ गए और आज सारे दिन रेस्ट किया यहाँ पे और शाम को निकल रहे हैं भाई। बाबू के कोई फ्रेंड है तो यहाँ पे भाई उक्का उक्का सब रखते हैं, वो तो चलते हैं उक्का उक्का पी के आएंगे और दिखाएंगे आपको भाई कौन कौन सा फ्लेवर पिलाते हैं आज उक्के में। तो भाई तगड़ा मजा लेता है भाई इधर खतरनाक वाला, तो चलते हैं वहीं पे और आपको दिखाएंगे भाई। और इसके जितने भी दोस्त हैं वो मिलेंगे वहाँ पे, वहाँ पर वो बाहर रहते हैं रूम लेके, तो वहीं जा रहे हैं बस अभी बाइक से, अभी एक दोस्त आएगा उसके साथ। तो गाइज मुंबई के गांव बीच है भाई, तो वहां पे हम आ चुके हैं और भाई आप सीन देख लो एक बार कितना प्यारा है ये देखो। और बाबू आया मेरे साथ में और इधर रोहित भाई है, बांसुरी डोसा से भाई भाई ये। तो गाइज देख सकते हो भाई गोवा से काफी खूबसूरत लग रहा है मेरे को तो, पर यहां पे बस यही है ना, क्राउड नहीं है और लोग आते नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बदबू सी आ रही है मुझे यार। और सूर्य देख कितना अच्छा लग रहा है भाई, सनसेट खतरनाक दिखा गया यहाँ से। ये जो पानी आपको दिख रहा है ना मॉर्निंग में वहां तक रहता है, लेकिन जो शाम को ये वापस अंदर चला जाता है। पर ये देख भाई नीचे पत्थर, गाइस समुद्र में ऐसे पत्थर रहते हैं, आप सोचते हो भाई समुद्र गहरा होता है, पहाड़ के ऊपर पानी रहता है समुद्र में, ये देखो। और इस पे क्या लगा हुआ है भाई देखो, अभी मुंबई में हम केगांव बीच पे आए हुए हैं और यहाँ पे भाई बहुत अच्छा सीन लग रहा है। मतलब शाम के टाइम आए देखो, सूर्य मतलब सूरज का सनसेट वाला सब खतरनाक वाला पॉइंट लग रहा है मेरे को, देख क्या खतरनाक व्यू है यार। आ जाओ गाइस, आपको ना वो शंख वगैरह देखो यहाँ मिल जाएंगे, समुद्र के किनारे पे मिलते हैं, ये देखो यहीं से लेके जाते हैं भाई, बड़े बड़े भी आ जाते हैं। देखो ये जानवर के रहते हैं, देखो ये देखो इसके अंदर जानवर निकल गया लेकिन अंडा रहता है ना, वही सीन है भाई। ये देखो गाइज कितना खतरनाक वाला व्यू है देख। और गाइज जब भी मैं आता हूँ ना कोई बीच पे, तो मुझे ये जो सीन ये सनसेट वाला तो खतरनाक वाला लगता है, ये देखो ना। और दूसरी बात, यहाँ पे जो नारियल के पेड़ दिख रहे हैं ना, ये इस लुक में चार चांद लगा देते हैं कहीं भी जाना गोवा में, बस ये इसी पेड़ की वजह से गोवा सुंदर लगता है मुझे तो, वही लगा भाई मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हो मेरे पीछे जो व्यू खतरनाक खतरनाक, और भाई मज़ा भी आने वाला है क्योंकि अभी हम जा रहे हैं, बाबू के कोई दोस्त है वो उक्का उक्का पिलाएंगे भाई, की लेके अब स्नू को उक्का उक्का पी के जाएगा हमारे साथ, तो चलते हैं। ये पास में रूम है उनका, तो वहाँ पे उक्का उक्का पियेंगे, उनसे बातें करेंगे। यहाँ पे अपना अपन सा लग रहा है क्योंकि राजस्थान से हैं सारे, तो मेरे दोस्त के भी हैं यहाँ पे जो रोहित भाई है वो, तो अच्छा लगता है ऐसे भाईपन सा लगता है यहाँ पे मुंबई में, अपना सा घर जैसा लगता है। ये देख पानी जब आता है ना स्पीड से मॉर्निंग में, यहाँ पे यहाँ तक पानी आ जाता है, तो देखो कैसे मतलब लाइनिंग लाइनिंग सी बन चुकी है ना। और वहाँ पे देखो ये लोग भाई पूरा मजा ले रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, ये देखो वाह। काफी टाइम मजा था देखो। तो भाई इन भाइयों के साथ आज उका पी रहे हैं यहाँ पे मुंबई में यार, अपना पंसा लग रहा है यहाँ पे, बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ रही है आज तो। ये देखो गाइस और कॉफी साथ में मुंह लगवा है तू, क्या ऊपर आ रहा है यार, हैं क्या ऊपर आ रहा है, मैं तो बोतल ले रहा हूँ। आई डबल बड़ी टाइम इंटरव्यू ले चलो हमारे यहाँ से, मुंह जान के लगा दो। मानसून पूछा लगा दूसरा
चुपा करूं गाइज भाइयों के साथ हुक्का हुक्का पी के भाई बहुत ही बढ़िया मजा आया। और अभी हम आ चुके हैं बाबू के क्वार्टर पे। और गाइज आपको बता दूं कल का जो ब्लॉग आएगा ना वो मुंबई का है, हम जाएंगे चौपाटी। तो चौपाटी से पहले हम देखेंगे मुकेश अंबानी है ना हमारे देश के भाई सबसे ज्यादा पैसे वाले, कोशिश करेंगे मुंबई चौपाटी भी तो हम जाएंगे लेकिन मुकेश अंबानी का जो घर है ना मुंबई में वो देख के जाएंगे और आपको भी दिखा के जाएंगे भाई कैसा है उनका घर और नीचे जो गलियां हैं वो कैसी है वहां की। तो भाई को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कल का ब्लॉग देखना मत भूलना क्योंकि कल आपको दिखने वाला है इंडिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला जिसका घर कैसा है मुकेश अंबानी का। ओके तो गाइज बने रहना यार ब्लॉग में, भाई को सपोर्ट करना और कमेंट करना कि गोवा के ब्लॉग अच्छे लगे या बुरे लगे। ओके आपकी राय कमेंट में होनी चाहिए भाई। थैंक यू, बाय बाय।